अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो भाई कैमरा लेकर आ गए, तो व्लॉग को करते हैं शुरू, चलते हैं फिर सेटअप पर। आपको एक गुड न्यूज़ देनी है, मेरे पास नाटा ने माशाल्लाह से अंडे दे दिए, वो आपको अभी दिखाता हूँ, आ जाइए। पहले इसको ठक ठक करना ज़रूरी है, वरना फीमेल डर के मारे बाहर भागेगी, फिर अंदर नहीं जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह से इनने दो अंडा दे दिया है। आप भी माशाल्लाह दोस्तों कह दीजिएगा और दूसरे भी अंडे इंशाल्लाह देगी। ये जोड़ा है दोस्तों, इन्होंने अंडा दिया है पसनाटा। अभी इनको ज्यादा नहीं छेड़ते दोस्तों, अभी नीचे वाला जो पैर है। तो यार इन्होंने अभी अंडा नहीं दिया, ब्लैक मुंह का पैर, ये भी इंशाल्लाह दे देंगे, फिलहाल तो इसने अंडा नहीं दिया। दोस्तों इनके तो आपने चिक्स भी देख लिए थे और अंडे भी देख लिए थे, ये मेरा लोटिनो का पैर है। दोस्तों ये मेरा फिशर का पैर है, जब शौक स्टार्ट किया था फर्स्ट पैर में यही लेके आया था। ये दोस्तों मेरा लाडला पैर है, अभी ये मोल्टिंग भी आ गया है। वैसे माशाल्लाह ये ब्रीडर पैर है, लेकिन अब इसका जैसे ही मोल्ट ख़त्म होगा तो ये इसको बॉक्स लगा देंगे। उस व्लॉग में आपको मैंने दिखाया था कि इसका बॉक्स मैंने धो के रख दिया है, वो भी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने इस बॉक्स को धो दिया है, तो अभी इसकी कंडीशन आप देखें पहले के साथ, अब देखिए कितना साफ हो गया है। दोस्तों ये देखिए बिल्कुल ही साफ हो चुका है, तो अब इसको मैं मोर्टिन का पाउडर लगा देता हूँ, फिर इसको धूप में छोड़ दूंगा। पाउडर से ये होगा कि कीड़े मकोड़े जो भी आएंगे ना वो अंदर ही ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे अंदर ही। अभी इसको मैं लगा के फिर इसको ऊपर छोड़ दूंगा छत पर, इसको अच्छी तरह से लगा लें। दोस्तों इसको अभी मैं ऊपर रख देता हूँ, फिर शाम को इसको उतार दूंगा। यार अभी मुझे एक और काम भी करना है, ये जो मैं गमला लेकर आया था ये छोटी में है, तो इसकी ग्रोथ सही नहीं हो रही, तो इसको मैं बड़े गमले में शिफ्ट करूँगा। अभी इसको फिर लेके चलते हैं, तो पहले ये काम करते हैं उतार जाने। यार ये किसी काम का नहीं था मेरे, तो इसको मैं अभी काट के फिर छोटा गमला इसमें शिफ्ट कर दूंगा।
हमने शिफ्ट कर दिया है। अब दुआ करें कि हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाऊं कि इसमें लाल लाल फूल निकले। जब मैंने इसको दोस्तों लिया था ना तो इसमें लाल फूल थे, लेकिन मुझे पता नहीं क्या इसको हो गया, फिर ग्रोथ इसकी नहीं हो रही थी, तो इसको मैंने इसलिए बड़े कमरे में शिफ्ट कर दिया। जब इसके दोस्तों फूल निकलेंगे तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह दिखा दूंगा। दोस्तों चलते हैं छत पर, एक और काम भी है मुझे, जो जंगली बर्ड्स आते हैं कबूतर वगैरह, उनको मुझे दाना पानी देना है तो उनको दे देते हैं दाना पानी। ये काम करके दोस्तों बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि ये बर्ड्स बेचारे जो जंगली होते हैं ये ऐसे ही घूमते रहते हैं, अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढते हैं, तो इनको दाना देंगे तो सवाब भी मिलेगा। दोस्तों अगर आप भी ऐसा काम करें कि अपनी छतों पर दाना पानी रख दिया करें, सवाब मिलेगा आपको। दोस्तों ये वाला देख रहे होंगे ये खाली है, तो ये इनका शौक फूड है, बच जाते हैं या कुछ घर में तो फिर मैं इसको रख देता हूँ, बड़े शौक से खाते हैं। दोस्तों एक मज़े वाली बात है कि गिलहरी भी यहाँ आती है, वो भी शौक से खाती है। जब दाना पानी ख़त्म हो जाता है तो यकीन नहीं करेंगे आप, वो नीचे आ जाती है, नीचे आकर ऐसे ही मुझे तंग करती है थोड़ा, फिर मैं समझ जाता हूँ कि इसको दाना ख़त्म हो गया है। कभी आई नीचे तो मैं आपको वो वीडियो भर के भी दिखाऊँगा। दोस्तों आज के व्लॉग को यहीं पर करते हैं ख़त्म। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।